Good morning, everyone. Yesterday, we studied about the relative lowering of vapor pressure. उसके पहले Rolle's law of lowering of vapor pressure. Rolle's law of lowering of vapor pressure क्या है? The vapor pressure of solvent on the solution over the solution. तो जब non-volatile solute solvent में dissolve करते हैं तब वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रहेगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा उसको उसी के मोल फ्रैक्शन से मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना है. पी वन इज इक्वल टू पी जीरो वन इंटू एक्स वन. तो ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का बोलो या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो सकता है, ये रोल्स ला. उसके बाद जो एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और एक्स टू का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो एक्स वन की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी, वन माइनस एक्स टू. ये वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन आता है डेल पी इज इक्वल टू P01, मतलब P0 minus P, del P, lowering of vapor pressure का मतलब क्या है, P01 minus P1, ये solution का vapor pressure या pure solvent का, इसी को आप बोलते हैं del P. और del P is equal to, lowering of vapor pressure is equal to, जो equation आता है, P01 into X2, यानी पूरा solve करने के बाद, तो ये है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मतलब लिक्विड में सॉल्वेंट में आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना वेपर प्रेशर मतलब P1 की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि सरफेस पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आते जाएंगे, सॉल्वेंट के कम होते जाएंगे, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा. और जितना ये P1 की वैल्यू कम होती जाएगी, ये तो कॉन्स्टेंट है, उतना ही डिफरेंस बढ़ती जाएगा, मतलब डेल पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी. और वो किस पे डिपेंड है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे. तो ये है रोल्स ला. और उसके बाद जो हुआ था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब सिंपल है, डेल पी और पी जीरो वन को इधर लेके आओ, पी जीरो वन इज इक्वल टू एक्स टू. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसमें भी सॉल्यूट है और इसमें भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मतलब दोनों सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है. मतलब बोथ दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज वेल एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद आपको नेक्स्ट लास्ट मतलब इसका ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो ये जो बताया था पहले, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है चारों के चारों, सभी का जो मेन यूज है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. जो आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, अननोन सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया, तो इसका यूज करके आप उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं. कौन से मतलब उसका जो भी सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, दैट कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सभी का तो यही डिटरमाइन करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फर्स्ट ऐड करते जो कल पढ़ा था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल पी अपॉन पी जीरो वन इज इक्वल टू एक्स टू. याद तो हो गया, ये हो गया पर ये कितना वेपर प्रेशर था और कितने से कम होगा, डेल पी मतलब पी जीरो माइनस पी वन. तो पी जीरो वन माइनस पी वन कितना डिफरेंस, कितने से कम हुआ, दैट डिवाइडेड बाय पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था मिक्स करने के पहले, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज पी एंड दैट इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स टू. और एक्स टू का मतलब है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है तो उसका मोल फ्रैक्शन. अब सेकंड आता है, पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू X2 is equal to, जो पहले हो गया है बताया था मैं, कोई भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, टोटल जितने भी कंपोनेंट होते हैं आपने सॉल्यूशन बना दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, तो
टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑलवेज इज इक्वल टू वन. वन का मतलब एक का 0.1 है तो दूसरे का कितना रहेगा 0.9. 0.9 प्लस 0.1 दैट इक्वल टू 1. यानी एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं टोटल कितना आना चाहिए 1. जैसे परसेंटेज में 100 आता है वैसे मोल फ्रैक्शन में टोटल कितना आता है 1. X2 इज इक्वल टू, तो कोई भी दैट इज मोल फ्रैक्शन अगर कोई भी कंपोनेंट का निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हो गया ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके निकालना है. जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के लिए 1 याद रखो और सोल्यूट के लिए 2. ठीक है, तो सपोज किसका निकालना है सेकंड कंपोनेंट का मतलब X2 जिसका निकालना है, तो आप क्या करोगे N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब दो कंपोनेंट है, दो एक पहला कंपोनेंट मतलब जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व किया हुआ ग्लूकोज इन वाटर, वाटर में तो वाटर सॉल्वेंट है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स N1 और ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2. अगर आपको X1 की वैल्यू लिखना है नंबर मोल इसकी तो जरूरत है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर का निकालना है तो बस N2 अपॉन फिर से N1 प्लस N2, N1 जिसके निकालना है उसके डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मतलब जितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट के N1 और N2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 दैट इज N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे भी N2 है, N1 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये N1 सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, N2 सॉल्यूट के. और एक ये भी पता है था जो लिमिटेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ऑल दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली अप्लीकेबल फॉर अ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी 0.2 कम से मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा 0.2 वाला कॉन्सेंट्रेशन ले सकते, 0.2 मोलर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम कितना भी चलेगा, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. और जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूट का मतलब है उसमें सॉल्यूट जो होता है बहुत ही कम होता है, तो ज्यादा कौन होता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो एज कंपेयर टू N1 द वैल्यू ऑफ N2 इज वेरी वेरी स्मॉल, इसकी जो वैल्यू होती है N2 की बहुत ही कम है, निगलिजिबल बोल सकते हैं, उसका मतलब N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, मतलब उसको निगलेक्ट कर लो है ना, ऐसे समझ लो कंपेरिजन में टोटल, जैसे टोटल इसकी 1.2 आती है तो आप N2 की वैल्यू जो 1.2 आया तो इसकी वैल्यू बोल सकते 0.001 बोल सकते, तो टोटल में 0.1 क्या है ना 1. ज्यादा डिफरेंस में अगर ये ऐड भी करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब निगलेक्ट बहुत ही कम होती है तो उसको निगलेक्ट कर दो, एज द वैल्यू ऑफ N1 इज वेरी वेरी वैल्यू ऑफ N2 इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू N1 एंड देयरफॉर आफ्टर निगलेक्टिंग तो आप बोल सकते N1 प्लस N2 दैट आल्सो इज इक्वल टू N1 क्योंकि इसकी वैल्यू निगलिजिबल, छोड़ दो. देन क्या होगा इक्वेशन X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो क्या है यहाँ पे X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, N1 सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, अब N2 और N1 की वैल्यू लिखना है. तो थोड़ा सा मतलब आप ये X2 की वैल्यू ये तो आप ये इक्वेशन दैट इज ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, X2 का मतलब ये तो डेल पी अपॉन P01 इज ऑल्सो इक्वल टू N2 अपॉन N1. ओके, अब जो सॉल्यूशन बनाया है सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो उसका भी वेट और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो कोई भी कंपाउंड हो उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स निकलना है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, जो भी कंपाउंड का वेट निकलना मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकलना है तो वेट को उसी के मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करो, जो भी वेट रहेगा वेल 10 ग्राम है NaOH का सॉल्यूशन जैसे आपने बनाया 10 ग्राम डिसॉल्व किया तो कितने मोल्स हो गए, तो क्या करोगे आप 10 डिवाइडेड बाय 40, 40 क्यूब मॉलिकुलर वेट NaOH कितना है 40 है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. एंड सपोज W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो आपने सॉल्यूशन बनाया था तो सॉल्यूट का वेट कितना था W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट है W1 और ये किसका है सॉल्यूट है,
तो डब्ल्यू वन वन याद रखो, वन मतलब सॉल्वेंट और टू का मतलब है सोल्यूट. तो सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ सोल्यूट इन डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. देन एन वन इज इक्वल टू, तो एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सॉल्वेंट का वेट कितना है डब्ल्यू वन, और डब्ल्यू वन अपॉन एम वन. एंड एन टू इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है डब्ल्यू टू, और उसका मॉलिक्यूलर वेट है एम टू. मतलब एम वन और एम टू क्या है, कैपिटल एम वन और कैपिटल एम टू जो है, एम वन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और एम टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. टू मतलब सोल्यूट के, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब ये एन वन और एन टू की वैल्यू ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करो, क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन में डेल पी अपॉन पी जीरो एन टू अपॉन एन वन. By putting these values of n1 and n2, then equation become del p upon p01 is equal to n2 ki value w2 upon m2 divided by w1 upon m1, that equal to क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो ये ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब W2 into M1 ये ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय M2 into W1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन W2 अपॉन M2, ये W1 है तो नीचे आएगा और ये M1 नीचे है तो ऊपर जाके मतलब ये ऊपर चला जाएगा. तो डेल P इज इक्वल टू W2 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, M1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. तो वही इक्वेशन, तो लास्ट में ये इक्वेशन निकला डेल पी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी जीरो माइनस पी मतलब पी जीरो वन माइनस पी पी जीरो वन माइनस पी वन दैट इज पी जीरो वन इज इक्वल टू योर फाइनल इक्वेशन है डब्ल्यू टू इंटू एम वन डिवाइडेड बाय M2 into W1 is the expression used for the determination of molecular weight of non-volatile solute. तो कोई भी अगर non-volatile solute जो भी आप dissolve करते हैं solvent में उसका आप molecular weight निकाल सकते हैं. अब देखो W2 weight है उसका, ये पता रहेगा कितना आप dissolve करें, कितने solvent में dissolve करें वो भी पता है W1 की value मतलब weight of solute, ये weight of solvent. और ये जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का, तो जैसे वाटर रहा तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का वाटर का कितना है 18 है, डब्ल्यू वन की वैल्यू कितना अगर वाटर रहा तो एम वन की वैल्यू 18 रहेगी और आपको एम टू निकालना है. और यहाँ पे डेल पी यानी पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, मिक्स करने के पहले सोल्यूट डालने के पहले सोल्यूट डाला सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब पी जीरो माइनस ये जो वैल्यू है यही इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी जीरो वन माइनस पी वन अपॉन पी जीरो वन या ऐसे देखो मतलब एक दैट इक्वल टू W2 M1 upon M2 into W1 is by knowing the all the values except M2, the value of M2 can be solute का वेट पता होता है, solvent का वेट पता होता है, solvent का molecular weight known है. और ये experimentally करोगे vapor pressure पहले solvent का कितना, बस दो ही एक vapor P0 मतलब solvent का vapor pressure solute before addition of solute and after addition of solute that solvent become a solution and the vapor pressure of that solution that is P1, solution का vapor pressure P1, solution का और solvent का vapor pressure मतलब यूरिया generally ऐसे numericals वगैरह solve करते time the vapor pressure of solvent is always greater than that of solution. याद रखो जो ज्यादा होगा vapor pressure वो solution करेगा solvent का, और जो कम रहेगा वो किस करेगा solution का. solution vapor pressure of solution is always lower than that of solvent. तो ये यार ये दोनों इक्वेशन सेम है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी डिटरमाइंड कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो ये दो मार्क का डेरिवेशन भी आता है, कुछ भी नहीं स्टार्ट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद कुछ नहीं करना है सिर्फ मोल फ्रैक्शन के दो स्टेप डिप जाना है, मतलब
X2 का मतलब होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। उसके बाद क्या करना है, N1 के कंपैरिजन में N2 को निगलेक्ट कर दो, N2 चला गया, अब क्या बचा, N2 अपॉन N1, और N2 की वैल्यू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मतलब W2 अपॉन M2 और N1 W1 अपॉन M1, ये वैल्यू सीधा सीधा पुट कर दो और सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप है डायरेक्ट इक्वेशन। तो ये दो मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। वेपर प्रेशर, बस वही वेपर प्रेशर एक दोनों का सोल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, तो उसी के बेसिस पे आपको उसका अगर मोलर मास निकालना है तो कैसे निकाल सकते, देखो सीधा वही फॉर्मूला यूज करना है। एक प्रॉब्लम लिखता हूं पहले, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 78 ग्राम एट अ सर्टन टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 ग्राम है एट अ सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन टेम्परेचर इज मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर जिसका मोलर मास कितना 78 है और इसका वेपर प्रेशर जो दिया है 640 mm। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास जिसका वेट दिया है ऑफ मास, सोल्यूट का मास है 2.315 ग्राम इतना सोल्यूट एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन हो गए, यानी इतना वेट इतने ग्राम बेंजीन मतलब W1 की वैल्यू और ये W2 की वैल्यू और ये M1 सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 78 और इसका वेपर प्रेशर दिया है P01 की वैल्यू मतलब प्योर बेंजीन का 460। The vapor pressure of solution is, the vapor pressure of solution is, solution का vapor pressure जब dissolve करने के बाद is 600 mm। देखो solute डालने के बाद कितना हो गया, कम हो गया मतलब 640 का 600 mm हो गया। What is the molar mass of solute? What is the molar मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोलर मास यहां पे आपको निकालना है। क्या क्या दिया, पहले सबसे पहले देख लो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है मतलब P01 की वैल्यू जिसका मोलिकुलर वेट 78 है मतलब M1 की वैल्यू और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सोल्यूट डिसॉल्व किया इतना ग्राम इतने ग्राम बेंजीन में मतलब ये सॉल्वेंट का वेट ये सोल्यूट का वेट, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो गया 460 था पहले सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा 600 मतलब ये P1 की वैल्यू है P01 की वैल्यू, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब M2 की वैल्यू आपको निकलना है। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते P01 माइनस P1 वेपर बेंजीन या डेल पी लिखो अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 into M1 divided by M2 into W1 हो गए। अब P01 एक एक टर्म्स लिखते हैं, P01 मतलब प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 640 mm, देन P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिसॉल्व करने में कितना हो गया 600 mm, अब W1 मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना है 49 ग्राम, सोल्यूट का वेट कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया था 2.315 ग्राम, देन
M1 की वैल्यू दी है कितनी है 78 ग्राम, और निकालना क्या आगे सभी टर्म, बस निकालना है आपको M2 वैल्यू निकालना है। तो पहले सब वैल्यूज पुट करते हैं, P01, P1, W1, W2, M1, M2, P01 640, P1 कितने 600 सॉल्यूशन फॉर ब्लड प्रेशर, और P01 की फिर से सेम 640 इज इक्वल टू W2 कितना वेट है सॉल्यूट का 2.315, देन W2 इनटू M1 मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 78 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू आपको निकालना है, और W1 सॉल्यूट का वेट जो दिया है 49, मतलब M2 निकालना है। सीधा सीधा फर्स्ट स्टेप ले लीजिए, डिफरेंस 640 माइनस 600 कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय 640, जैसे एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा आपके 78 इंटू, ये दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाला तो इसका प्रोडक्ट जो आता है 180.57, और M2 इंटू 49, अरे जीरो कैंसिल। अब देखो M2 निकालना है, M2 को इधर ले लो, M2 इज इक्वल टू, ठीक है ये इधर आ गया, और 4 नीचे जाएगा और 64 ऊपर, 180.57 डिवाइडेड बाय M4 यहां पे आ गया इंटू 49 इंटू ये 64, और 180.57 इंटू 64 तो उसका जो आंसर आता है 11556.48, ये 180.57 इंटू 64, और इसका अगर मल्टीप्लाई किए 49 इंटू 400, अगर यहाँ पे 50 होता तो 200, मतलब 4 कम आएगा 196, और 11556.48 डिवाइड बाय 196, और उसका आंसर आता है 58.96 ग्राम। तो ये हो गया फाइनल आंसर, दैट इज मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। और एक बात यहाँ पे याद रखो, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन ये गलत दिया है, इसलिए यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूलर वेट 49 है और कैलकुलेशन में उसने क्या लिया है 40 लिया है, तो उसमें आंसर अलग दिया है 72.23 वगैरह, लेकिन करेक्ट आंसर ये याद रखो, थोड़ा सा क्लियर करो ये।